दोस्तों आप अपने फोन में फ्री 5G डेटा यूज कर रहे होंगे, लेकिन अब आप अपने फोन में फ्री 5G डेटा को बिल्कुल नहीं यूज कर पाएंगे। उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, पेड होने वाला है बहुत जल्द। कब तक ये पेड हो जाएगा अभी इस वीडियो में बताएंगे, और कितने का रिचार्ज प्लान होगा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आप 2022 से 5G डेटा फ्री में यूज कर रहे हैं, एक रुपया भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको पैसा देने पड़ेंगे और फिर आप 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी यूज कर पाएंगे। आपको पता है अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन यूज करते हैं आप, आपके एरिया में 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी रोल आउट हो गया है, लग गया है, एक रुपया नहीं देते होंगे एक्स्ट्रा, आप फ्री में 5G अनलिमिटेड यूज करते होंगे, जितना मर्जी उतना। लेकिन अब यार दिल टूट रहा है यार, अब ये फ्री में नहीं यूज कर पाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं ना कि अभी एयरटेल एंड जियो की तरफ से आया है, एयरटेल तो पोस्टपेड एंड प्रीपेड दोनों पे इंप्लीमेंट कर रहा है, काम कर रहा है, दोनों का प्लान इंक्रीज करेगा। और वोडाफोन और आइडिया भाई अभी तक तो ये सोच भी नहीं रहे हैं कि 5G काफी डेटा देना है और 5G सिम भी लॉन्च करने हैं। 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है वोडा और आइडिया का, तो ये भी उस पे काम कर रहे हैं। एयर फाइबर के बारे में आप सुने होंगे, एयर फाइबर जैसे जियो का है जियो फाइबर, एयरटेल का है एयरटेल फाइबर। और भाई जो फाइबर आप अगर लगा करके 5G यूज करेंगे ना, नेक्स्ट लेवल का फीलिंग होता है यार, इतना जबरदस्त, इतना दमदार नेटवर्क कनेक्टिविटी, आपको 5G डेटा बहुत मजा आ जाता है। और कहा जाता है अभी ये जो भी ब्रांड है एयरटेल एंड जियो, ये क्वालकॉम के साथ कोलैबोरेट भी करने वाले हैं, जिससे कि आप अगर अपने फोन में 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर यूज करते हैं, 5G डेटा यूज करते हैं, तो उसमें आपको और भी प्रीमियम लेवल का, नेक्स्ट लेवल का फीलिंग होने वाला है 5G के साथ। सो कोलैबोरेट हो जाएगा, कुछ उसमें ऐड करेंगे, कुछ ऐसा जिससे कि 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी में आपको इशू थोड़ा भी नहीं होंगे, फोन को लेकिन अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट के बाद क्वालकॉम के साथ अभी कोलैबोरेट हुआ नहीं है, अभी बात चल रही है, अभी अगर कंफर्म होता है जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। लेकिन बहुत बढ़िया है कि जितने भी क्वालकॉम का जितने भी फोन में प्रोसेसर लगे रहते हैं उस सारे में नेटवर्क कनेक्टिविटी तो नेक्स्ट लेवल का होगा। इससे एक चीज प्रॉफिट है कि क्वालकॉम वाले प्रोसेसर वाले क्वालकॉम का जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका फोन ज्यादा सेल होगा, इसलिए क्योंकि उसमें 5G बैंड बहुत बढ़िया से काम करेगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है जो कि 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जैसे 4G यूज किए, 3G यूज किए पहले, उसके बाद 4G यूज किए, फिर 5G अभी यूज कर रहे हैं, और 5G के यहाँ मजा आ जाता है यार, मतलब यूज करते हैं दिल खुश हो जाता है। कोई भी मूवी डाउनलोड करना है, YouTube पे कोई भी 4K में वीडियो देखना है, कोई इशू नहीं होते हैं, पानी की तरह नेट चलते हैं, तो ये फीलिंग को कभी भूल नहीं सकते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि अभी तो 5G सही से लॉन्च भी नहीं हुआ है सारे एरिया में, और 5G अभी चल भी नहीं रहा है हर जगह पे, लेकिन जियो जो है ना, जियो 6G पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, और 6G कनेक्टिविटी आपको मिलने वाले हैं। 6G पे काम हो रहा है, एयरटेल अभी नहीं कर रहा, लेकिन जियो काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये रोल आउट अभी होने का कहा जा रहा है, 2030 तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा, रोल आउट कर दिया जाएगा 6G। अभी तो वैसे 6G फोन भी नहीं आया है, तो 6G फोन आएंगे, इसके बाद फिर 6G का मजा लेंगे। खुद से फील कीजिए अगर 5G में क्या मजा आता है अभी, तो 6G में क्या जबरदस्त यार नेक्स्ट लेवल का फील होगा, मजा आ जाएगा, बहुत दिल खुश हो गया ये अपडेट सुनकर के। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये 5G जो अभी होने वाला है पेड, उसमें क्या चार्जेस होने वाले हैं, रिचार्ज प्लान क्या बढ़ने वाले हैं, कब तक हो जाएगा भाई। तो मैं आपको बता दूं, रिचार्ज प्लान की बात करें तो एयरटेल की तरफ से कहा जा रहा है 50% इंक्रीज करेगा जो भी अभी जितने भी प्लान है। हाँ वैसे जितने बार अभी तक जितने इंक्रीज हुए हैं ना प्लान, जितने टाइम सारे प्लान, या वो 75 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 200 रुपए, 250, जितने प्लान है ना भाई, मतलब बड़ा से बड़ा प्लान, छोटा से छोटा प्लान, सारों को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि 50% का ये इंक्रीज करेंगे। 208 रुपए वाला जो प्लान था ना रिचार्ज प्लान, वो आपको मिलता है 300 रुपए उसके कर दिए जाएंगे एयरटेल की तरफ से। और मैं आपको बताया ही पोस्टपेड एंड प्रीपेड का, उसपे भी इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसपे भी प्लान उसका भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन वही अगर जियो की बात कर ले, तो जियो की तरफ से अभी वैसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है ऑफिशियली कि उनका प्लान क्या रहेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जियो थोड़ा सा हम जैसे गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए अफोर्डेबल प्लान लाएगा, क्योंकि यूजेबल सब लोग के लिए। आपको पता है स्टार्टिंग में खूब यूज किया है फ्री में, जब हमारी लत लग गई, आदत हो गई जियो यूज करने का, तो फिर उन्होंने पेड कर दिया और फिर रिचार्ज कराना पड़ा, और हमने कहीं नहीं भागा, यूज कर रहे थे, आदत हो ही गई, बस रिचार्ज करा लिए।
और यही चीज अभी भी होने वाला है। तो यहाँ पे है कि अभी स्टार्टिंग में तो उम्मीद है कि 30-40% के एवरेज में रहेगा, 30% ये इंक्रीज करेंगे थोड़ा बहुत, प्लान जो अभी चल रहा है थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, 30% के करीब इंक्रीज होगा। इसके बाद जब आपका लत लग जाएगा 5G का, 5G जब यूज करने लगेंगे आप, फिर आप पूरा दिन डूबे रहेंगे जियो के नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ, दोबारा से फिर से इंक्रीज करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे और उसमें आपको ये प्लान जियो की तरफ से फिर से बढ़ाया जाएगा। आपका तो लत लग गया है तो आप फिर से वो प्लान को रिचार्ज करेंगे ही, रिचार्ज प्लान आप यूज करेंगे ही, क्योंकि आपका लत लग चुका है 5G का, भाई दिल में घुस गया है आपका जियो और 5G। तो इसी तरह से ये जियो हमारे साथ काम करते रह रहा है और हम लोग भी उसका साथ देते रह रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है ना। आपका भी कोई बिजनेस है तो ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये 2024 में ही पेड होने वाला है, और वो भी ज्यादा दिन नहीं, 3-4 महीने बस, ये जुलाई अगस्त में ये जो है रिचार्ज प्लान पेड हो जाएगा, 5G डेटा जो आप यूज कर रहे हैं फ्री में वो पेड हो जाएगा, और फिर आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, इसके लिए स्पेशल रिचार्ज कराने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके जरिए आप पेड होने के बाद भी फ्री में यूज कर पाएंगे, जैसे अभी कर पा रहे हैं। कैसे? तो यहाँ पे आप जब आप रिचार्ज करते होंगे, आपको पता है अभी जो रिचार्ज करते हैं उसमें रिचार्ज प्लान में शो करता है अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉल, जो भी रिचार्ज प्लान आप कर रहे होंगे, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड मैसेज ऐसा। तो वो वाला प्लान जो है वो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए, 365 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, आप अपने मर्जी हिसाब आप उसे रिचार्ज कर सकते हैं। वो प्लान का यूज अभी कर लीजिए, और अभी नहीं, जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इतने डेट से, इतने तारीख से ये अपडेट होने वाला है, उस टाइम आप लॉन्ग लंबा सा रिचार्ज कर लीजिए, और फिर जो अभी आप रिचार्ज प्लान यूज करेंगे ना वो आपके नंबर पे एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो पेड होने के बाद भी वही रिचार्ज प्लान वर्क करेगा। आप ऐसा नहीं है कि आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो बस सिंपल आइडिया है, पेड होने से पहले जैसे ही अनाउंसमेंट होता है उससे पहले ही आप रिचार्ज कर लीजिए, लंबा प्लान 1 साल का या फिर 365 दिन का, दोनों तो सेम है यार, सब लोग रिचार्ज करते रहेंगे, लेकिन आपको रिचार्ज की जरूरत नहीं है, आपका तो ऑलरेडी पहले ही रिचार्ज कर चुके हैं। तो ये ट्रिक यूज करके आप पेड होने के बाद भी ये रिचार्ज कर सकते हैं, ये फ्री 5G डेटा यूज कर सकते हैं। सो बस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो थोड़ा भी पसंद नहीं आया हो ना तो इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी बुराई है कमेंट में बता दीजिए, इस वीडियो में आपको कमियां क्या लगे ना, ताकि मैं अगले आने वाले वीडियो में इंप्रूव कर सकूं। सो इस वीडियो रिलेटेड सजेशन देना बिल्कुल ना भूले, अपना राय दे कैसा वीडियो बनाना चाहिए और इस वीडियो में कमी क्या था, ठीक ना। तो हाँ, गाली वाली चाहे तो नहीं भाई, सॉरी गलती से बुला गया, गाली बिल्कुल भी मत दीजिएगा। हाँ, सो सजेशन दे दीजिए कैसा वीडियो बनाना चाहिए। सो बस अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा पसंद आया हो ना, फिर से मैं सेम चीज बोल रहा हूँ, तो लाइक कर ही दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका अपडेट मिल जाए, 5G वो भी बहुत मजे में फ्री यूज कर रहे होंगे, शेयर कर दीजिए। तो बस अगले टाइम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।